क्या आपको गुस्सा आता है और आप उस गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको गुस्सा समझने और उसे मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती है। एक बार एक साधु ने अकेले मेडिटेट करने का मन बनाया। उसने एक नाव ली और अपनी मोनेस्ट्री से बहुत दूर एक झील के बीच में जाकर मेडिटेट किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ घंटे कंप्लीट शांति के बाद उसने महसूस किया कि कोई दूसरी बोट उसकी बोट से आकर टकराई। आंखें बंद होते हुए भी उसने अपने अंदर एक गुस्से को अनुभव किया। उसने दूसरी नाव के नाविक को डांटने के लिए आंखें खोली, ये बताने के लिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके मेडिटेशन को डिस्टर्ब करने की। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने आंखें खोली वहां सिर्फ एक खाली नाव थी जो बंधे ना होने की वजह से तैरती हुई उस झील के बीच में आ गई थी। तब मोह को एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, एक आत्मज्ञान हुआ और उसे समझ आया कि गुस्सा उसके अंदर है। हाँ, सिर्फ एक बाहरी चोट और एक बाहरी बात उसे जगा सकती है। इस छोटी सी घटना के बाद वह साधु जहाँ कहीं भी जाता है, जिस किसी से भी मिलता है, खासतौर से ऐसे लोगों से जो उसके गुस्से को जगा देते हैं या किसी की बात से उसे गुस्सा आ जाता है, उस आदमी को वह साधु एक खाली बोट समझता है और उसे पता है कि गुस्सा उसके अंदर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ डिड यू लाइक दैट स्मॉल स्टोरी? ये छोटी सी स्टोरी बहुत खूबसूरती से बताती है कि गुस्सा क्या है और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। इफ यू आर लाइकिंग द स्टोरी, प्लीज शेयर योर फीडबैक। अंसार अहमद साइनिंग आउट। अंटिल वी मीट अगेन।